समुदाय हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस समुदाय के साथ हमें नहीं रहना है। हम लोग का डिमांड ये है कि हमारे यहाँ पे जिस जंग लड़ रहा है यहाँ पे मणिपुर वायलेंस के बारे में, तो हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पे विदाउट सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा तो पीस नहीं होगा। हमारी जो डिमांड है वो है कि इस जो समुदाय हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस समुदाय के साथ हमें नहीं रहना है। अब तो हमारी जो डिमांड क्रिस्टल क्लियर है वो है कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं तो यूटी। और जब तक ये डिमांड पूरा फुलफिल नहीं होता है तब तक हमें खुद यहाँ पर बैठकर ड्यूटी देना पड़ेगा। अच्छा, तो आप लोग किससे आप लोगों का डर है, क्यों आप लोग यहाँ पे हथियार लेके यहाँ पे खड़े हैं, किसके लिए, किस कारण? ये जो वैली बेस्ड जो मिलिटेंट्स हैं उनसे जो हमारे गाँव में अटैक करते हैं, गाँव को जलाते हैं, तो उनसे अपने गांव को अपने परिवार को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। अच्छा, तो पुलिस फोर्स भी है यहाँ पे, सीआरपीएफ है, डिफेंस है, आर्मी है, तो आप लोग भी यहाँ पे मौजूद है, क्या कारण है? तो यहाँ पर असम राइफल्स है, एंड ये जो असम राइफल्स है दे आर डूइंग ग्रेट, बहुत अच्छे काम कर रही है, और दोनों पक्षों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर ऐसे कई कोने हैं जहाँ पर इनकी पोस्ट नहीं है, तो वहाँ से जो मिलिटेंट समुदाय है, जो मिलिटेंट्स है वैली बेस, उनके आने की संभावना होती है, तो वहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं बस। वहाँ पे आप लोग अपने ये इसको क्या कहेंगे, ये जो जगह है जी बफर जोन कह सकते हैं आप, बफर जोन से थोड़ा पीछे ही है। अच्छा, बफर बॉर्डर आप बॉर्डर कह सकते हो, पर बफर जोन थोड़ा आगे, बफर जोन में हमें बैठने की इजाज़त नहीं है, तो हम बफर जोन के बहुत पीछे होते हैं। तो क्या दोनों साइड के बीच में आप लोग यहाँ पे रहते हैं, दोनों गाँव के बीच में? जी, दोनों गांव के बीच। इस साइड ये आप देख रहे हो जो वैली है, ये मेथी समुदाय का है, और इस साइड ये कुकी समुदाय का है। जी जी, तो आप लोग का लगातार यहाँ पे ये जो यूथ है, लग रहा है कि सारे तो बहुत ही कम एज के हैं, कितने एज के होते हैं ये सर? ये सारे 20-22 साल के सारे। ये हथियार लेके यहाँ पे 24/7 रहते हैं? जी, 24 घंटे। जी, तो आप लोग का ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा? ये आंदोलन देखिए, हमें भी नॉर्मल लाइफ जीनी है, हम भी चाहते हैं कि हम लोग भी अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, तो हमें भी नॉर्मल लाइफ चाहिए। पर उस नॉर्मल लाइफ को अगर कोई नॉर्मल लाइफ जीने के लिए हमें जो हमारी जरूरत है, हमारी जो डिमांड है, अगर फुलफिल होता है, तो हम लोग नॉर्मल लाइफ जीने के लिए वापस चले जाएंगे अपने घर। जिस टाइम पे हम देख रहे जो एज के बच्चे यहाँ पे हैं, ये सब स्टूडेंट्स हैं जी, 16 से 20 साल, इनके हाथ में बुक्स होने चाहिए, हथियार है, क्या कारण है? ये कारण है देखिए, ये हम भी नहीं चाहते कि इनके हाथ में हथियार हो, और ना ये चाहते हैं, ना ही कोई और चाहेगा, पर एक मजबूरी हमारी है, क्योंकि ना ही हमारे पास आधुनिक हथियार है, ना कुछ है, पर हमारी जो मजबूरी है कि हम लोग यहाँ पर बैठ के, अगर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पहरेदारी करते हैं, अगर यही ना करें और पढ़ाई करें हम लोग, या फिर दूसरी जगह जाकर हम लोग काम करें अदर स्टेट में जाकर, तो फ़ायदा उसका जीवन वापन तो हो जाएगा, पर उसका फ़ायदा क्या होगा जब हम घर वापस आएंगे, हमारा गांव ही नहीं रहेगा, हमारी ज़मीन ही नहीं रहेगी, तो अपनी मतलब गांव की रक्षा की। जी जी जी, ना हम लोग ना सरकार के खिलाफ है, और ना हमें किसी से शिकायत है, बस हमें जो हमारी डिमांड है ये है कि जो वैली बेस जो उग्रवादी संगठन हमला करते हैं, उसे सुरक्षा जो प्रदान हो रहा है वो होता रहे, और साथ में जो हमारे डिमांड है यूटी का और सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का वो फुलफिल हो। ये बफर जोन का जो हमारे भाई लोग हमारे सुरक्षित के लिए ड्यूटी कर रहा है ना, ये बफर जोन है, यहाँ पे स्कूल के लिए भी मुश्किल से बहुत वो होता है, इसलिए हम लोग को प्रोटेक्शन के लिए ब्रदर लोग ने यहाँ पे ड्यूटी लगा के रखा हुआ है। अच्छा, तो क्या आप लोग यहाँ पे सुरक्षित महसूस है, सुरक्षित? हाँ, वो लोग वजह से हम लोग को सुरक्षित थोड़ा मिलता है, और हमारा असम राइफल सेंटर फोर्स की वजह से हम लोग को यहाँ पे सुरक्षित मिलता है। तो जिस तरह का जो अभी अनरेस्ट है, क्या कहना चाहिए, क्या डिमांड है आप लोगों का गांव का, क्या डिमांड है? हम लोग का डिमांड ये है कि हमारे यहाँ पे जिस जंग लड़ रहा है यहाँ पे मणिपुर वायलेंस के बारे में, तो हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पे विदाउट सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा तो पीस नहीं होगा।
हाँ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए हम लोग को। यहाँ में हम लोग को कुकी लोग को, कुकी जाति को ख़त्म करने के लिए जहाँ दुश्मनी लोग ने किया है वो सब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अगर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन देगा तो हम लोग को एक साथ कुकी जाति लोग का आसानी से होगा करके। डेवलपमेंट नहीं होती है कुकी एरिया में, डेवलपमेंट होता है कम होता है यहाँ पे, हम लोग ट्राइबर हैं इसलिए। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हम? हाँ जी, केंद्र सरकार या सरकार से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? हम केंद्र सरकार से या सरकार से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कहना चाहेंगे कि हम कुकी लोग जाति को सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन और यूनियन टेरिटोरी दिया जाए, वही चाहते हैं हम लोग। क्या जिस तरह से आप लोगों के भाई लोग वहाँ पे बफर जोन में रहते हैं 24 घंटा वहाँ पे जैसे गार्ड बॉर्डर गार्ड की तरह वहाँ पे बैठे हैं, तो क्या लगता है कि उनको भी वापस अपने नॉर्मलसी में आने की आप लोग क्या लगता है? नॉर्मली होने के लिए तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हम लोग वैसे अटैकिंग जो आता है दुश्मनी लोग से वो सब के लिए हम लोग का सुरक्षा के लिए उधर ही रहना पड़ता है, वो लोग कुछ नहीं होता है यहाँ पर हम लोग का, इसलिए हम लोग को सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन ही चाहिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.